बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आज पूर्वांचल वासी संस्था ने मुरादाबाद के रामलीला मैदान में भव्य महायज्ञ कर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की। प्रातःकाल में 108 हवन कुंड के माध्यम से भक्तों ने आहुतियां देकर देश की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। हवन से पूर्व संस्था की महिला कार्यकारिणी ने माँ सरस्वती का श्रृंगार किया। बनारस से आए पंडितों ने इस भव्य महायज्ञ का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर महानगर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विशाल सिंह गोलू, टीबी सिंह, परिमल श्रीवास्तव, भूपेश सिंह एवं सुधीर सिंह ने अपने अर्धगनियों के साथ मुख्य यजमान के रूप में मां सरस्वती का पूजन किया। पंडित श्री कृष्ण पाठक, श्रवण पांडे जी ने अपने साथियों के साथ पूजन का शुभारंभ करवाया। संस्था ने पूजा के साथ साथ संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन करवाया। बसंत संध्या का प्रारंभ मां सरस्वती की आरती के साथ किया गया। संस्था ने पूर्वांचल की संस्कृति की झलक को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में पूर्वांचल गान, कजरी, जटेनी नृत्य, मुखोटा नृत्य, कमला पूजा जैसे नृत्य गान की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम के दौरान संस्था के जनक एस एन सिंह, एमपी चौबे ने संस्था के शुरुआती दिनों के बारे में बताया। संस्था के अध्यक्ष विवेक ठाकुर एवं सचिव अमित दुबे ने संस्था के उद्देश्यों से लोगों को रूबरू करवाया। इससे पूर्व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडलायुक्त श्री आंजनेय सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की आधारशिला रखी। इस विशेष अवसर पर ADRM NN सिंह, राजेश चौबे, सुधीर सिंह उपस्थित रहे। आज तो मेडिकल किट पहुँचाना, उनके दाह संस्कार कराना, यहाँ तक कि ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, ये तमाम जो समाज सेवाएं हैं ये हमारे पूर्वांचल वासी की संस्था हमेशा करता है। आज ये जो भव्य आयोजन हो रहा है आपने देखा होगा कि 108 हवन कुंड के माध्यम से पूर्वांचल वासी संस्था के सभी लोग इसमें सहभागिता कर रहे हैं। हमारे यहाँ के विशेष अतिथिगण भी पधारे हुए हैं। अभी रेलवे के सीनियर DCM श्री सुधीर सिंह पत्नी आकर के भवन के सामने बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं। ऐसे तमाम और भी जो संभ्रांत व्यक्ति हैं इस मुरादाबाद में, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है और सभी लोग इसमें सहभागिता कर रहे हैं ताकि पूर्वांचल की संस्कृति और यहाँ के समाज में रह करके जो हमारे समाज सेवा की परंपरा है उसको हम पुनर्स्थापित कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से ये पूर्वांचल वासी संस्था तमाम आयोजन कर करके और समाज में एक अपना नई चेतना जगाने का काम कर रहा है, इसलिए नए भारत का भी निर्माण होगा और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसका भी प्रचार प्रसार होता रहेगा।